के काफी गर्वांतित महसूस कर रहा हूं। गर्वांतित क्या होता है बे? क्या बोलते हैं? गौरव मैं महसूस हो रहा है। नहीं, गर्वांतित भी होता है। पक गर्वांतित होता है। अरे बहुत यार। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। ये हमारा देश का झंडा, ये असली झंडा दिखा हमें। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने जा, जाने मन, जाने मन। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राइट, आज 26 जनवरी एंड ऑन दिस ओकेजन पुलिस सबको पकड़ लेगी, सबको पकड़ लेगी। चलो चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो व्लॉग कर रहे हैं। ये डाला जाएगा कि नहीं जाएगा? सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज 26th जनवरी है, आज रिपब्लिक डे है। आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम लोग आज रिपब्लिक डे के दिन थोड़ा सा बाहर निकले हैं, देखने की क्या माहौल है शहर में, शहर में कैसा माहौल है। ये देखे, ये हम एकदम हल्दी में मैरिनेट हो गए। इलाहाबाद में एक बहुत ही फेमस पार्क है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। हम लोगों को होपफुली वहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, दैट इज वाई। और बाकी पूरे शहर का देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, मतलब कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, कहाँ दुकानें वगैरह सजी है, कहाँ लड्डू समोसे भी मिल रहे हैं, बिकॉज इनको तो लड्डू समोसे में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंड वी आर सर्चिंग फॉर सम फ्लैग। हम यार, ये वाला तो फ्लैग अच्छा है, लेकर रखा जा सकता है। हमने अपनी गाड़ी के लिए छोटा सा ये सामने ले लिया है, ये सामने दिखता रहेगा, अच्छा लगेगा। और झंडे के साथ हमने वो सेटअप भी लिया ना, नहीं तो हम लोग के पास कुछ ऐसा था नहीं ना, अच्छा लग रहा है। ये ऐसे स्प्रिंग पे लगा हुआ, अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, तो हम लोगों को चंद्रशेखर आजाद पार्क जाना है। तो यहाँ से लगभग और जो लोग इलाहाबाद के नहीं है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के जो लोग है उनको तो पता है, बट जो लोग नहीं है, उन चंद्रशेखर आजाद जी का जो लास्ट, मतलब यहाँ ये वही पार्क है जहाँ पे कि वो आए थे और फिर वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी। जब लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों ने, जब उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, हाँ। वो फाइट कर रहे थे, फिर लास्ट में उनके पिस्टल में लास्ट गोली बची थी, तो उन्होंने खुद को अपने गोली मार ली। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इनकी गोली से मरने से अच्छा कि हम खुद को अपने आप को मार लेते हैं। तो वहाँ पे उनका एक स्टैचू भी है और उस स्टैचू के हाथ में पीछे ऐसे पिस्टल भी है, और फिर एक म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम में भी जाएंगे, देखेंगे अगर कुछ अच्छा दिखा तो बढ़िया रहेगा। तब तक ये फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हाँ। बहुत सही चीज ले ली। जो है ये देखिए, ये हमारी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, ये हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिन लोगों को नहीं पता है, हाँ। और किसी को भी नहीं पता है, कैसे पता होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, क्योंकि अभी किसी को बताया ही नहीं है। तो ये मेरा घर कैंपस है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने लगी। ये हमारा इसी के सामने, जस्ट इसी के सामने हमारा
चंद्रशेखर आजाद पार्क का गेट है, हम लोग यहीं पे अपना गाड़ी पार्क करेंगे और ये टिकट काउंटर है बट आज के लिए ये फ्री मतलब है। किसको फ्री में आना, 26 जनवरी को आया पता नहीं था ये बात हम लोग को, हम लोग ने फायदा नहीं, नहीं वैसे 10 रुपए का टिकट होता है इसका, पता 10 रुपीज पर पर्सन। जैसे ही आप गेट नंबर 3 से एंट्री मारेंगे वैसे ही आपको सामने ठीक चंद्रशेखर आजाद जी की स्टैचू मिलेगी। ये देखो ये सामने स्टैचू है। आज बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब 26 जनवरी की वजह से ज्यादा ही। ये मैं कह रहा था एक हाथ इनका पीछे है और पीछे देखो इन्होंने ऐसे बंदूक पकड़ी हुई है। दिस वॉज द थिंग विच आई वॉज सेइंग पीछे पिस्टल भी है। हाँ हाँ तो मैं को लगा था कि सिर्फ स्टैचू बनाया है, नॉर्मल से स्टैचू। तो अभी हम भी एक सेल्फी खिंचाएंगे। संभालो यारो।
भाई आपने सबसे अच्छा गाया था, जब जहाँ जहाँ पे लोग लिरिक्स भूल जा रहे थे आप भी तो गा रहे थे। हम हाई टोन में ले रहे थे, वो लोग लो टोन में गा रहे थे। मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब वो जो गाना गाओ ना, मतलब वाले सॉन्ग्स गाओ सबके तो साथ, जब गाओ तो मजा आता है, साथ गाओ तो जो जोश आता है ना, दैट वाज अमेजिंग। तो फाइनली हम लोगों को अपना फ्लैग मिल गया, जो फ्लैग हम लोग ढूंढ रहे थे, बहुत देरी से फ्लैग ढूंढ रहे थे। इतना बड़ा फ्लैग मिल गया, इतना बड़ा फ्लैग मिल गया। हम लोग वहाँ बैठे थे तो वहाँ से देख रहे थे कि ये फ्लैग किसका है, और जिसका फ्लैग था वो हम लोगों को ये फ्लैग दे करके चले गए उधर बैठे हुए कि भाई जब आप फ्लैग हमको दे देना, और ये फ्लैग उनका 5 साल पुराना है बोल रहे थे। लड़ाई शुरू हो गई है, अभी झंडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के पास है। अरे भाई लड़िए मत झंडे के लिए, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं। अब जिसका फ्लैग है उसे हमें लौटाना भी तो है। बहुत ही ज्यादा मतलब वो घर वाली फीलिंग आती है यार। ये फ्लैग मतलब की लेके चलने उसमें पता है ओलंपिक में जैसे नहीं जो लेकर के आगे चलता है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना जो लेकर के चलता है। शादाब अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इन्हीं का झंडा था, इन्हीं का झंडा था, नहीं झंडे का सही यूज देव ना चाहिए ना। और क्या सही बात है। तो गाइस ये वीडियो अगर जिसने भी पूरा देखा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और वीडियोस में आप देखो, मतलब आप लोग देखो, अच्छा लगा लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा था। एंड थैंक यू टू भाई, हम लोगों को सपोर्ट में मिल गए, ये हम लोगों का शूट कर रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।